टेलीविजन और बॉलीवुड एक्टर रोनित बॉस रॉय ने हाल ही में फिल्म गुमराह में काम किया है। बीते दिन इस वेब सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग में तमाम एक्टर्स और एक्टर्स के परिवार वाले मौजूद थे। वहीं इस स्क्रीनिंग में रोनित बॉस रॉय भी अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ आए। रोनित के बेटे अगस्त्या का वीडियो सामने आते ही ऐसे वायरल हुआ कि बस पूछिए मत। वीडियो वायरल हो जाने के बाद रोनित के बेटे को एबनॉर्मल कहा जा रहा है। कोई लिख रहा है ये एबनॉर्मल है क्या, तो कोई लिख रहा है कि इसका बेटा पागल है, कोई लिख रहा है कि इसे एक तरीके का ऑटिज्म हो सकता है, तो कोई लिख रहा है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है क्या। इसी तरीके के कमेंट्स के साथ पूरा वीडियो सेक्शन भरा हुआ है। वेल, ऐसे कमेंट्स करने वाले लोग न केवल असंवेदनशील बल्कि बेवकूफ भी हैं। ना तो ये रोनित के बारे में ना ही उनके बेटे के बारे में कुछ जानते हैं। रोनित के बेटे बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें किसी तरीके का कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि महज 15 साल की उम्र में उनका डिल डॉल लंबा चौड़ा हो गया है, जिसके बाद उन्हें देखकर लगता है कि वो उम्र में काफी बड़े हैं। लेकिन अगस्त्या बॉस रॉय सिर्फ 15 साल के हैं और 15 साल के बच्चे से आप कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी बता दें कि अगस्त्या बेहद टैलेंटेड है। अगस्त्या ने महज 12 साल की उम्र में गाने कंपोज करना और गाना शुरू कर दिया था। अगस्त्या के गाने अलग अलग म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल भी हैं। अगस्त्या बॉडी बिल्डिंग का भी बेहद शौक रखते हैं और उन्होंने इस उम्र में बेहद अच्छी बॉडी भी बना ली है। ये भी जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं कि अगस्त्या मीडिया के कैमरास के सामने आए हैं। इससे पहले भी अगस्त्या अपने पापा की फिल्म की स्क्रीनिंग में नजर आए थे। उस वक्त सोशल मीडिया यूजर्स ने अगस्त्या को हल्क और खली कहा था। एबनॉर्मल अगस्त्या नहीं, बल्कि एबनॉर्मल वो लोग हैं जो अगस्त्या को ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 15 साल का ये बच्चा 22-25 साल के नौजवानों से भी ज्यादा टैलेंटेड है, जो अपने गाने खुद कंपोज भी करता है और गाता भी है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।